हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ड्रीम ऑफ भारत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पुनः उपस्थित हैं और क्लास को कंटिन्यू करेंगे और हम बात कर रहे हैं मुगलकालीन प्रांतीय राज्य की। और मुगलकालीन प्रांतीय राज्यों में इससे पहले हमने कई राज्यों के बारे में कवर किया है, जिसमें हमने कवर किया प्रांतीय राज अवध के बारे में, प्रांतीय राज बंगाल के बारे में, इसके अलावा प्रांतीय राज राजपूत के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण राज्यों के बारे में हमने चर्चा की है। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे प्रांतीय राज्य हैदराबाद। प्रांतीय राज्य हैदराबाद जिसको इस्टेब्लिश 1724 ईस्वी में आज आसफ जान निजामुल मुल्क चिंकलिज खां के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। और आप जानते हैं कि ये जो दौर है वो भारत में मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला का है। मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से लेकर के 1748 तक रहा, और मोहम्मद शाह रंगीला के समय उत्तरवर्ती मुग़ल काल का तेज़ी से पतन हुआ। इसके अलावा अगर हम बात करें निज़ाम की, तो उसके पिता गाजीउद्दीन हैदर जंग प्रथम जो कि समरकंद के निवासी थे और औरंगजेब की सेवा में उपस्थित थे और उच्च मनसब प्राप्त करने में भी सफल रहे। और यह अगर निज़ाम की बात करेंगे तो यह उत्तरवर्ती मुग़लों में कई जो है महत्वाकांक्षी ग्रुप एक्टिव थे, उनमें से एक था तुरानी गुट और तुरानी गुट का ही अमीर था निज़ाम जो है वह तुरानी गुट का ही अमीर था। जब फर्रुखसियर मुग़ल बादशाह बना 1713 से लेकर के 1719 ईस्वी तक, तो फर्रुखसियर के समय ही निज़ाम को दक्कन के छः सूबों की इसे जो है सूबेदारी प्रदान की गई, किंतु बाद में इसे दक्कन से हटा करके इसे मालवा का सूबेदार बना दिया गया। मालवा में रहते हुए निज़ाम ने अपनी स्थिति को मजबूत किया, और निज़ाम की स्थिति को मजबूत होते देख शायद बंधु, जिन्हें भारतीय इतिहास में किंग मेकर के नाम से जाना जाता है, अब्दुल्ला खां और हुसैन खां दोनों भाइयों को शायद बंधु के नाम से जाना जाता है, और उत्तरवर्ती मुग़ल काल में ये किंग मेकर की भूमिका में थे। जब उन्होंने उसे रोकने का प्रयास किया तो इसने षड्यंत्र रच के और शायद बंधु में एक भाई अब्दुल्ला खां की हत्या करवा दी। अब्दुल्ला खां की जब हत्या करवा दी तो पुनः इसे दिल्ली में बुलाया गया। और दिल्ली बुलाने के बाद इसने देखा कि दिल्ली में इसके विरुद्ध जो इसके शत्रु थे षड्यंत्र रच रहे थे, और ऐसी स्थितियों में भी मोहम्मद शाह रंगीला यानी मुग़ल बादशाह की स्थिति एकदम न्यूट्रल थी, जिसकी वजह से वह क्रोधित होकर के वह वापस दक्कन चला गया। और दक्कन में जाकर उसने जो है स्वतंत्र हैदराबाद की नींव डाली। प्रांतीय राज्यों में स्वतंत्र होने वाला पहला राज्य हैदराबाद ही था। और इसके अलावा जब यह वापस चला गया दक्कन में, हैदराबाद की स्थापना किया, तो मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने मुग़ल सेनापति मुबारिज खां को इसे पराजित करने के लिए भेजा, किंतु निज़ाम कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी था। इसने मराठों के सहयोग से मुबारिज खां को सुकरखेड़ा के युद्ध में पराजित कर दिया और हार मान करके मोहम्मद शाह रंगीला ने उसे स्वतंत्र शासन करने की अनुमति प्रदान कर दी। और इस तरीके से उसे उपाधि प्रदान करते हुए फाइनली निज़ाम ने दक्कन में स्वतंत्र रूप से हैदराबाद राज्य की स्थापना करने में वह सफल हुआ। यद्यपि चूँकि निज़ाम स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने का उद्देश्य रखता था, किंतु वह मराठों से भय खाता था। और आप जानते हैं कि चूँकि दक्कन में मराठों की स्थिति मजबूत थी और दिन ब दिन मराठों की स्थिति बढ़ती जा रही थी, मराठों की बढ़ती स्थिति से कहीं न कहीं निज़ाम को नुकसान हो रहा था। और आपको याद होगा कि जब 1707 ईस्वी में शाहू और ताराबाई के मध्य एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध के उपरांत मराठा साम्राज्य भी दो भागों में विभाजित हो गया था।
एक कोल्हापुर और दूसरा एक कोल्हापुर, कोल्हापुर जहाँ पे शिवाजी द्वितीय ताराबाई जो है शिवाजी द्वितीय की संरक्षिका के रूप में शासन कर रही थी कोल्हापुर में, और इसके अलावा दूसरा सतारा जहाँ पर साहू शासन कर रहे थे। तो निज़ाम ने कूटनीतिक चाल चलते हुए उसने मराठों का तोड़ने का प्रयास किया। यद्यपि 1721 से लेकर के 27 तक मराठे और निज़ाम के मध्य संबंध मधुर रहे, बावजूद इसके आगे चल करके इसके संबंध बिगड़ गए। और जब पेशवा बाजीराव प्रथम वो बाहर गए हुए थे, उसने क्या किया कि कोल्हापुर ग्रुप का शासक जो था इसमें संभाजी द्वितीय था। संभाजी द्वितीय को यह लगातार निरंतर रूप से निज़ाम भड़काता रहता था। और आगे चल कर के पालखेड़ा के युद्ध में 1728 ईस्वी में निज़ाम ने पेशवा को पराजित किया और फलस्वरूप जो है मुंशी शिव गांव की संधि के लिए बाध्य किया। और फलस्वरूप यद्यपि अभी भी निज़ाम ने अपनी पूर्ण हार स्वीकार नहीं की थी और वह निरंतर रूप से भड़काता रहता था, लेकिन मुंशी शिव गांव की संधि के उपरांत कुछ जैसे साहू को उसने संपूर्ण महाराष्ट्र का स्वामी स्वीकार कर लिया। इसके अलावा दक्कन के चौथ और सरदेशमुखी पर अधिकार मराठों का उसने स्वीकार किया, और साथ ही साथ उसने यह भी स्वीकार किया कि वह अब दोबारा जो है कोल्हापुर ग्रुप के शासक संभाजी द्वितीय को किसी भी तरीके की सैन्य सहायता प्रदान नहीं करेगा। हालांकि आगे चल कर के 1738 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला के सहयोग से निज़ाम ने एक विशाल सेना का गठन किया और फलस्वरूप उसने मराठों को पराजित करने का प्रयत्न किया, किंतु पेशवा बाजीराव ने अपनी सूझबूझ के तहत बिना युद्ध के ही निज़ाम को कूटनीतिक मात देने में सफल रहे। और इस तरीके से मराठों से पूर्ण हार स्वीकार कर ली और फलस्वरूप जो है उसने ढेर सारे रियायत मराठों को प्रदान कर दिए। हालांकि आगे चल कर के 1748 ईस्वी में निज़ाम की मृत्यु हो गई, हैदराबाद के निज़ाम चिंकलीज खां निज़ामुल मुल्क की मृत्यु हो गई। और निज़ामुल मुल्क की मृत्यु के बाद 1748 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद कोई भी निज़ाम महत्वपूर्ण नहीं हुआ, जिस समय इधर 1761 ईस्वी में हैदर अली के द्वारा मैसूर स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आया, और इधर मराठे प्रारंभिक तीन पेशवाओं के समय मराठा अपने चरमोत्कर्ष से पहुंच रहा था, उधर सुदूर दक्षिण में कर्नाटक में मैसूर भी अपने दिनों दिन शक्ति बढ़ा रहा था, लेकिन इधर निज़ाम की स्थिति कमज़ोर हो रही थी क्योंकि निज़ाम की मृत्यु के बाद कोई भी महत्वपूर्ण या कोई भी योग्य निज़ाम सिद्ध नहीं हुआ। और उधर ऑलरेडी जो है द्वितीय कर्नाटक युद्ध, इधर फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों की महत्वाकांक्षा बढ़ रही थी, और वही कर्नाटक जो है उनके युद्ध का मैदान सिद्ध हुआ। फाइनली उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए तीन आंग्ल कर्नाटक युद्ध लड़े। द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध जो रहा वो 1749 से लेकर के 1754 तक रहा, और द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध में भारतीय नवाबों ने, चूँकि निज़ाम की मृत्यु के बाद इसके पुत्र नासिर जंग और पौत्र मुजफ्फर जंग में उत्तराधिकार को लेकर के विवाद छिड़ गया तो फिर इन्होंने अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए विदेशी शक्तियों को आमंत्रित कर दिया, और यह अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के लिए सुनहरा अवसर था। फलस्वरूप इसके पुत्र नासिर जंग का समर्थन किया, जबकि अंग्रेज़ों ने मुजफ्फर जंग का समर्थन किया, और फाइनली इस तरीके से इनकी स्थिति और भी दयनीय हो गई। और फाइनली इसका परिणाम यह हुआ कि आगे चल करके जब वेलेजली बंगाल का गवर्नर जनरल रहा, वेलेजली ने
अपने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए एक नीति लाई जिसे वेलेजली की सहायक संधि कहा जाता है। और फाइनली जो है 1798 ईस्वी में हैदराबाद दक्षिण का पहला राज्य हुआ जिसने वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया। और फाइनली उस समय हैदराबाद का जो निज़ाम था वो अली था, आसफ जाह अली करके था। उसने जो है इसकी वेलेजली सहायक संधि को स्वीकार की और फाइनली जो है ब्रिटिश सेना या ब्रिटिश रेजिमेंट रखना उसने स्वीकार किया। इस तरीके से जिस हैदराबाद राज्य की नींव चिनकलिज खान निजामुल्क आसफ जाह ने डाली थी, उस स्वतंत्र हैदराबाद राज्य का अस्तित्व जो है समाप्त हुआ 1798 ईस्वी में शादा के लिए। इसी के साथ फ्रेंड्स इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक बेहतर क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।